नमस्ते इंडिया, मैं हूँ सैम सैमेंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ब्लो ड्राइज के ऊपर, जैसे कि इन कर्ल्स, आउट कर्ल्स, स्ट्रेट ब्लो ड्राई। ऐसे ही एक और स्पेशल ब्लो ड्राई लेकर आए हैं हम आज, जिसको कहते हैं स्पाइरल ब्लो ड्राई। अब ये स्पाइरल ब्लो ड्राई है क्या और किन बालों पे करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। अब आपने आउट कर्ल्स और इन कर्ल्स को देखा ही होगा। आउट कर्ल्स में हम जो बालों के एंड्स को टर्न करते हैं वो ऊपर की तरफ करते हैं, और इन कर्ल्स में हम करते हैं तब नीचे की तरफ करते हैं। अब स्पाइरल ब्लो ड्राई में हम जब करते हैं तब हम साइड्स में टर्न करते हैं। यस, मतलब आपका जो ब्रश की जो होल्डिंग होती है वो वर्टिकल होती है। ब्रश को वर्टिकल होल्ड करने के कारण जो टर्न्स होते हैं वो साइड्स में टर्न्स होते हैं। आउट में अप, इन में डाउन, और स्पाइरल में साइड्स में। अब देखते हैं स्पाइरल ब्लो ड्राई हम कौन से कट पे और कौन से लेंथ पे कर सकते हैं। तो कट, स्पाइरल ब्लो ड्राई के लिए जो कट होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्सिमम लेयर्स, जो कि हम कट करते हैं 90 डिग्री पर। ये स्पाइरल ब्लो ड्राई आप उन्हीं पे कर सकते हैं जिनका कट 90 डिग्रीज पे हुआ है, और लेंथ जो होनी चाहिए वो मीडियम हो सकती है, मीडियम या मीडियम टू थोड़ा सा लॉन्ग। अगर बहुत लॉन्ग हेयर है और उस पर आपने मिनिमम लेयर्स दिए हैं तो उन पे आप लोग स्पाइरल ब्लो ड्राई नहीं कर सकते। बहुत लंबे बालों में आप इन कर्ल्स या फिर आउट कर्ल्स ही कर सकते हैं। स्पाइरल ब्लो ड्राई अगेन सिर्फ मीडियम बालों पे कर सकते हो आप, या मीडियम टू लॉन्ग बालों पे जिन पे 90 डिग्री वाला कट हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे आज की जो हमारी मॉडल है उनके बाल है मीडियम लॉन्ग, और इन पे हमने किया है 90 डिग्री वाला हेयर कट। आप ऐसे बालों पे, इस लेंथ के बालों पे आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं स्पाइरल। एंड मेरे लेंथ, जैसे कि मीडियम बाल है, मेरे लेंथ के बाल है उनके ऊपर भी आप कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि कट जो हो वो 90 डिग्री पे ही हो। तो चलिए आइए देखते हैं स्पाइरल ब्लो ड्राई का प्रोसीजर एंड उसके की पॉइंट्स। सबसे पहले, कोई भी ब्लो ड्राई करने से पहले बालों का साफ होना बहुत जरूरी है। शैम्पू कंडीशनर इज अ मस्ट। बालों पे थोड़ा भी ग्रीस या ऑयल या गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर ये रहा तो आपका जो ब्लो ड्राई है वो जो है एकदम फ्लैट हो जाएगा, मतलब बाल जो है एकदम फ्लैट हो जाएंगे, वॉल्यूम नहीं दिखेगा, ऑयल दिखेगा, ग्रीसी नजर आएगा। तो हमेशा बाल साफ रखिए, शैम्पू और कंडीशनर बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका ब्लो ड्राई स्टे भी नहीं करेगा ज्यादा देर। स्पेशली कर्ल्स, जब कर्ल्स करते हैं तो बालों का साफ होना बहुत जरूरी है। शैम्पू कंडीशनर करते वक्त ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट जो है वो पूरा निकल जाए आपके बालों में से, अदरवाइज जो हैवीनेस है वो बालों में रहेगी। प्रोडक्ट अगर रह गया तो बाल एकदम अगेन फ्लैट हो जाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से शैम्पू और कंडीशनर किया, साफ हो गए बाल, तो ये जो रिजल्ट है आपके ब्लो ड्राई का वो ज्यादा देर तक रहेगा, अच्छा रहेगा, शाइन बहुत आएगी और ज्यादा वॉल्यूम आएगा। शैम्पू और कंडीशनिंग के बाद हम करेंगे टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राइड बालों पे हम लगाएंगे मूस, क्योंकि हम कर्ल्स कर रहे हैं, हम इस्तेमाल करेंगे मूस का। अगर आपको कर्ल्स को ज्यादा देर होल्ड करना है तो मूस इज वेरी बेनिफिशियल। आपको आउट टर्न्स करने हैं या इन टर्न्स करने हैं या स्पाइरल करने हैं तो मूस लगाइएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है तो आप लगा सकते हैं सिरम, सिरम या फिर कोई भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या फिर प्रोडक्ट। बहुत सारे कंपनीज बनाती हैं हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, जैसे कि वेला है, श्वार्ट्जकॉफ है, लॉरियल है, ऑल कंपनीज आर नाउडेज मेकिंग दिस प्रोडक्ट। अब बहुत से लोग मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाल ब्लो ड्राई करने से पहले कितने गीले होने चाहिए, गीले होने चाहिए या ड्राई होने चाहिए। तो ये याद रखिएगा 60-70% गीले होने चाहिए आपके बाल। अगर बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं और बहुत ज्यादा पोरस है तो आप 100% यानी कि टॉवल ड्राई के इमीडिएटली बाद आप ब्लो ड्राई शुरू कर सकते हैं, नहीं तो 60-70% वेट आपके बाल होने चाहिए। आप अगर बालों को पूरा ड्राई करेंगे और उसके बाद ब्लो ड्राई करेंगे तो बालों में बिल्कुल शाइन नहीं आएगी, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहेगा, एकदम ड्राई नजर आएंगे, बिल्कुल भी शाइन नहीं आएगी। तो प्लीज, मॉइस्चर रहना बालों में बहुत जरूरी है। अगर आपको शाइन चाहिए, क्यूटिकल्स आपके बंद होने चाहिए, तो आप उनको 60-70% वेट रखेंगे। अब आते हैं सेक्शंस पर। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सर्विस देने से पहले हम काम करेंगे सेक्शंस के ऊपर। सेक्शंस अगर आपके नीट, क्लीन और प्रॉपर हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। सेक्शंस में काम करने के बहुत सारे फायदे हैं।
जैसे कि आपकी जो होल्डिंग है वो बहुत कन्वीनियंट हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है, उससे आपका काम भी बहुत फास्ट हो जाता है। उसके बाद में जो बाकी के बाल है वो डिस्टर्ब नहीं करते जब आप काम करते हो एक सेक्शन के ऊपर, इसीलिए सेक्शंस हमेशा बना के रखिए पहले ही। अब इस ब्लो ड्राई के लिए हम जो सेक्शंस यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं वर्टिकल सेक्शंस। जैसे कि आप देख रहे हैं ज्यादा करके हम वर्टिकल सेक्शंस लेने वाले हैं। अगर बाल ज्यादा भी हैं और आपको छोटे करने हैं सेक्शंस तो हम वर्टिकल सेक्शंस में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में नहीं, क्योंकि ये स्पाइरल ब्लो ड्राई है। आपका ब्रश हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वर्टिकल रहेगा, तो आपके सेक्शंस भी वर्टिकल ही होने चाहिए। अब इस ब्लो ड्राई के लिए हम जो ब्रश यूज करने वाले हैं वो है मीडियम या फिर स्मॉल। यस, मीडियम या फिर स्मॉल राउंड ब्रश ही हम यूज करेंगे तभी कर्ल्स आएंगे। मीडियम से स्मॉल ज्यादा बेटर है क्योंकि स्मॉल से कर्ल्स जो है आपके टाइट कर्ल्स आएंगे और मीडियम से थोड़े से बड़े कर्ल्स आएंगे। बिग राउंड ब्रश बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, उससे सिर्फ मूवमेंट आएगी, कर्ल्स नहीं आएंगे। सो बेटर यूज स्मॉल राउंड ब्रश। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, इस बात को अंडरलाइन करिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। आपके जो सेक्शंस होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा मोटे या फिर चौड़े नहीं होने चाहिए। देखिए, कई बार देखा है मैंने, लोग है ना बहुत जल्दी जल्दी में, ये काम फास्ट करना है इसलिए बहुत बड़े बड़े सेक्शंस लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, बाहर तो ठीक ठीक दिख जाता है लेकिन अंदर के जो बाल हैं, क्योंकि बड़े सेक्शंस लिए हैं, जो अंदर के बाल हैं उस पर हीट नहीं पहुंचती और वहां पर ब्लो ड्राई होता ही नहीं, और आपका जो ब्लो ड्राई है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। सो ऑलवेज टेक स्मॉल सेक्शंस। सेक्शंस उतने होने चाहिए जितना कि आपके नोजल का साइज हो। एक मिनट आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, दिस इज अ नोजल। इसको आप ब्लो ड्राई के आगे लगाते हो, इसके बिना आप ब्लो ड्राई अच्छे से नहीं कर सकते, इतना याद रखिएगा। हमेशा नोजल लगा कर ही ब्लो ड्राई करेंगे। देखिए, ये जो पोर्शन है ये जाता है आपके ड्रायर के आगे, वहां पे आप फिक्स करते हैं इसको, एंड इसके बिना याद रखिएगा ब्लो ड्राई मत कीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत अच्छा टूल है और इसको यूज जरूर कीजिएगा अगर आपको आपका ब्लो ड्राई बहुत अच्छा चाहिए तो। एंड ऑलवेज जो सेक्शन है वो इतना ही होना चाहिए, इससे अगर बड़ा होगा सेक्शन तो साइड्स के बालों पे हीट नहीं पहुंचेगी। तो रिमेम्बर, जो सेक्शंस होंगे वो इसके हिसाब से होंगे, नोजल लगा कर ही आप ब्लो ड्राई करेंगे ताकि एग्जैक्टली ये जो ब्लो है वो एग्जैक्टली उन्हीं बालों पे पहुंचे और ब्लो ड्राई जो है वो बहुत अच्छे से हो और फास्ट हो। चलिए जानते हैं अभी आपके गैजेट्स कैसे होने चाहिए, मतलब आपका ड्रायर और आपके ब्रशेस कैसे होने चाहिए। तो आपका जो ड्रायर है वो होना चाहिए 2500 वॉट से ऊपर, मतलब उसकी जो पावर है वो होनी चाहिए 2500 वॉट या फिर उससे ऊपर। आपके जो ब्रशेस भी होने चाहिए वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ब्रशेस के जो ब्रिसल्स हैं वो प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो मेल्ट हो जाएंगे और क्लाइंट के बाल भी बहुत खराब हो जाएंगे। तो ऑलवेज यूज गुड क्वालिटी ब्रशेस, जैसे कि डेनमैन के ब्रशेस या फिर आइकॉनिक के ब्रशेस, ये बहुत अच्छे ब्रशेस हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। देखिए, आपके अगर गैजेट्स अच्छे हैं तो आपका काम भी अच्छा होगा। अगर गैजेट्स आप अच्छे नहीं लेंगे, अगर आप देखेंगे ड्रायर बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है, अच्छे पावर का नहीं है, तो आपका ब्लो ड्राई कभी भी अच्छा नहीं आएगा। वो जो बालों को जो स्टाइल देना चाहते हो वो कभी नहीं आएगा, जो शाइन देना चाहते हो वो कभी नहीं आएगा। इसीलिए आपके जो गैजेट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, पावर अच्छी होनी चाहिए उसकी, तभी आपका काम अच्छा होगा। चलिए देखते हैं हम हर सेक्शन पे काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई करेंगे रूट्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम आएंगे डायरेक्टली एंड्स के ऊपर। यस, हम एंड्स को, रूट्स के बाद में मिड लेंथ को छोड़ के हम पहले एंड्स पे आएंगे। क्या होता है, पहले एंड्स पे आने का रीजन ये है कि वहां पे मॉइस्चर है और उसको अगर आप जब पहले करते हैं तो कर्ल्स जो है वो ज्यादा देर तक रुकता है और ज्यादा अच्छी शाइन आती है। अगर आप पहले ही सारे से, ये बहुत बार ये गलती करते हैं हमेशा, कि क्या होता है, हम पूरे बालों को ड्राई कर देते हैं पहले, उसके बाद में कर्ल देने की कोशिश करते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। तो पहले हम रूट्स को करेंगे, उसके बाद में डायरेक्टली आएंगे हम एंड्स के ऊपर, मतलब पहले कर्ल करेंगे, उसके बाद जो बीच वाले जो मिड लेंथ है उसको ड्राई करेंगे। कभी भी
पूरे सेक्शन को पहले ड्राई करके फिर कर्ल करने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले हमेशा रूट्स को करके उसके बाद में जो गीले एंड्स है उसी को हम टर्न करेंगे, ताकि वहां पे टर्न करके वो सूख के वहीं पे फ्रीज हो जाए। उसके बाद में हम आएंगे मिड लेंथ के ऊपर। पूरे बालों को पहले ड्राई करके बाद में कर्ल करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगेन मैं कहती हूँ, ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है और फिर पता नहीं लगता कि अरे हमारा कर्ल्स जो है वो स्टे क्यों नहीं कर रहे, रुक क्यों नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। पहले हम रूट्स को करेंगे, उसके बाद में एंड्स को करेंगे जो गीले हैं अभी, और उसके बाद में करेंगे हम मिड लेंथ को। चलिए देखते हैं ब्लो ड्राई करते वक्त हमें जो प्रिकॉशंस है वो क्या लेने चाहिए। ये प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। क्लाइंट के स्कैल्प पे हीट बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। जब आप रूट्स पे काम करते हैं तो क्लाइंट्स के स्कैल्प पे बिल्कुल भी हीट नहीं जानी चाहिए, उनको बिल्कुल भी चटका नहीं लगना चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। रूट्स पे हम फास्ट मूव करेंगे ड्रायर को, और जब मिड लेंथ पे आते हैं तब हम थोड़ा सा स्लो करेंगे। रुकिएगा नहीं वरना बाल जल जाएंगे, स्पीड थोड़ी सी स्लो करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। रूट्स पे फास्ट और लेंथ पे स्लो। और याद रखिएगा, जब हम एंड्स पे आते हैं, जब ब्रश को एंड्स पे लेके आते हैं, तो वो कर्ल ही होना चाहिए, वो टर्न में ही जाना चाहिए। ब्रश को सीधे मत लेके आ जाओ नीचे, अगर सीधे लेके आ जाओगे तो वो कर्ल्स जो है वो खुल जाएंगे। इसीलिए ब्रश को भी आपको मूव करना है, जैसे कि आपने टर्न दिया है वैसे ही आपको ब्रश को मूव करना है। देखिए, बालों को ओवर ड्राई बिल्कुल मत करना, वरना बाल बहुत ड्राई नजर आएंगे, बेजान नजर आएंगे। जो शाइन आपको देनी है वो कभी नहीं आएगी। सो कभी भी बालों में मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, उनको ओवर हीट मत कीजिएगा। अब देखते हैं ड्रायर और ब्रश को होल्ड करने का सही तरीका। यस, जो लोग राइटी हैं, मतलब जिनका राइट हैंड ज्यादा डोमिनेंट है, जो राइट हैंड से काम ज्यादा करते हैं, उनका जो ब्रश है वो राइट हैंड में होगा हमेशा। जो हाथ ज्यादा काम करता है, अगर लेफ्टी है तो ब्रश लेफ्ट हैंड में होगा, और अगर राइटी है तो ब्रश राइट हैंड में होगा। ड्रायर जो होगा वो दूसरे हाथ में होगा, मतलब जो राइटी है वो ड्रायर लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। ओके, ड्रायर लेफ्ट हैंड में एंड ब्रश राइट हैंड में, जो लोग राइटी है वो। अगर लेफ्टी है तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ब्रश जो है वो लेफ्ट हैंड में और ड्रायर जो है वो राइट हैंड में। ये क्यों? सी, ब्रश हम जब यूज करते हैं तो उसको हमें मूव करना पड़ता है, तो जो हाथ हमारा ज्यादा अच्छे से काम करता है उसको मूव करना बहुत इजी हो जाता है। ड्रायर को क्या है, आपको सिर्फ पकड़ना है और उसको ब्रश के साथ में मूव करना है। ज्यादा जो काम है, जो मूवमेंट का काम है, वो ब्रश के साथ में होता है। तो ब्रश हमेशा आपके डोमिनेंट हाथ में रखिएगा, राइट। अगर राइटी है तो राइट हैंड में, और अगर लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड में। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ब्रश अगर हम इस हाथ में पकड़ते हैं और उसको मूव करते हैं ऐसे, तो बहुत इजी हो जाता है। क्यों? मैं राइटी हूं तो मेरा राइट हैंड डोमिनेंट है और यहाँ ऐसे इजी हो जा रहा है। लेकिन अगर वही चीज मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूं तो इतना इजी नहीं है। ट्राई करके देखिए, आपका जो डोमिनेंट हाथ है जिससे आप ज्यादा काम करते हो, उसमें जब आप ब्रश को ऐसे मूव करते हो तो वो इजी हो जाता है, और जो डोमिनेंट हाथ नहीं है उसको जब आप यूज करते हो तो इतना इजी नहीं है, है ना। सी, ट्राई डूइंग दिस, नहीं है ना इतना इजी। ये इजी है, क्यों? ये डोमिनेंट हाथ है इसीलिए। सी, स्पेशली आप जब कर्ल्स करते हैं तो आपका ये हैंड मूवमेंट होता ही है, और ये हैंड मूवमेंट आपका अगर डोमिनेंट हाथ से हो तो ज्यादा अच्छा काम होता है, ज्यादा जल्दी काम होता है, ज्यादा इजी काम हो जाता है। अब आपके इन कर्ल्स को आपको ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करना है, ज्यादा देर तक टिकाना है, तो आप उस पर हेयर स्प्रे भी कर सकते हैं। होल्डिंग आपकी जो होगी वो 3 या 4 लेवल पे हो सकती है, एंड जो स्प्रे होगा वो थोड़ा सा दूर से करेंगे। बहुत पास से करेंगे तो वो बहुत चिपचिपे हो जाएंगे बाल, तो दूर से आप होल्ड करके आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपके जो ये कर्ल्स हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। आज के हमारे इस ब्लो ड्राई में जस को हेल्प करी है गणेश ने, और जो मेकअप किया है वो किया है निकिता ने। ये हमारे मुंबई के टीम मेंबर्स हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये वीडियो? आई होप इससे आपका बहुत फायदा हुआ हो। ऐसे ही और लोग भी हैं जिनको इसकी बहुत जरूरत है, जो हमारे पास नहीं आ सकते सीखने के लिए, उनके लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। कीप हेल्पिंग पीपल,
बहुत अच्छा होगा सबके लिए, हम सबके लिए। और हाँ, अगर आपको एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो यहाँ पे हमारा कोर्स है 30,000 का, 1 month कोर्स, बेसिक टू एडवांस कोर्स है। यू कैन कम एंड ज्वाइन एनी टाइम, हर महीने के पहले वीक में ये शुरू होता है कोर्स। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपका वेट करूंगी मेकअप के कोर्स और हेयर के कोर्स के लिए। तो सी यू ऑल, ऐसे और सारे बहुत सारे टॉपिक्स लेकर हम जरूर आएंगे आपके साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।